धीरे हौले हौले चम से छलकती, मकई के दाना जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती, बत्ती से तोड़ के सर्टिफिकेट्स तो सब ठीक है मिस्टर सुधांशु चौधरी, बट आई होप कि आप स्काईलाइन ट्रैवल्स के तमाम रूल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कंपनी में सिंगल्स और सिर्फ सिंगल्स को नौकरी मिलती है। राइट। और मैं और आप? मैं सिंगल हूँ मैम, मतलब मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। गुड। मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ मिस्टर चौधरी। जी बिल्कुल। इस कंपनी को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ज्वाइन करने के दो महीने बाद शादी कर लें और फिर हनीमून और दिन में 20 बार बीवी के टेलीफोन कॉल्स और मैटरनिटी लीव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई हैव नो सच प्लान सर, शादी हनीमून मैटरनिटी लीव नथिंग। गुड, दैट्स व्हाट स्काईलाइन ट्रैवल्स वांट्स, एज अ डेडिकेटेड लोग जो काम के अलावा कुछ ना सोचे। लाइक यू सर, यू कैन से दैट। बट सर जनरली स्पीकिंग How can any company have a rule like this? I mean, only singles. It's a strange rule. देखो मोहिनी, ये रूल मेरा बनाया हुआ तो है नहीं। ये कंपनी मिस गुप्ता की है और ये रूल भी। कौन है ये मिस गुप्ता सर? इस कंपनी के चेयरमैन हूँ मैं मिस्टर चौधरी। मुझसे सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है। Of course, of course. नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि लीगली ऐसे रूल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता ना? No. हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने सब कुछ चेक कर लिया। वैसे भी इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है मिस्टर चौधरी, कंपनी का नहीं। अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में क्या क्या बताऊं मैम, इतना कुछ है बताने को, इतना कुछ है कि एक दिन भी काफी नहीं होगा। एक बार मैं ज्वाइन कर लूं फिर रोज थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। बस आप ये समझ लीजिए मैम कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हूँ। वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखते हैं आप इस कंपनी के लिए कौन से बड़े बड़े काम करते हैं। करने की कुछ जरूरत नहीं, मतलब मैं एक बार जिस कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ वो कंपनी खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। मेरे सितारे ही ऐसे मैम कि जिसके साथ मिलते हैं उसका भी सितारा चमक उठता है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि मेरे चेहरे पर एक कमाल का तेज है, लेकिन मेरे मामा जी का ये कहना था। मिस्टर चौधरी, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्या मैम? अगर बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा, मैं कम भी बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, आप जितना बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ठीक तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैम, लेकिन क्या है कभी कभी ज्यादा हो जाता है और इंटरव्यू में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, ये मुझे मालूम है। मिस्टर चौधरी, सुधांशु, यू कैन कॉल मी सुधांशु। मेरे सीनियर्स को पूरा हक है कि मुझे नाम से बुलाए। नो मिस्टर चौधरी, ऑफिस में एक लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी बहुत जरूरी होती है। आई डोंट लाइक पीपल हु ट्राई टू गेट पर्सनल, अंडरस्टैंड? बट आई डोंट अंडरस्टैंड सर, आज तक किसी ने इस रूल के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई, आपने भी नहीं? मैं क्यों उठाऊंगा आवाज? आई मीन मेरी कौन सी कल शादी होने वाली है जो मैं इस रूल को बदलवाने के लिए लड़ूं? कल नहीं होने वाली है सर, लेकिन कभी ना कभी तो होगी। अब क्या होगी शादी इस उम्र में? अब इतनी भी कोई उम्र नहीं हुई है आपकी सर, आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी। एक बड़ी कंपनी के एमडी होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? तुम तो अभी मुझे जानती भी नहीं सर। कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है और कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है। आपके साथ गुजारे हुए इन चंद लम्हों में मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसीलिए मुझे लगता है मिस्टर चौधरी के आप जैसे कॉन्फिडेंट आदमी को एक मौका देना चाहिए। ग्रेट। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन तो मैं आज से कर सकता हूँ, बल्कि अभी से कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। मतलब मैं कल से ज्वाइन करूँ तो चलेगा? क्यों? क्योंकि मुझे कुछ तो तैयारियाँ करनी पड़ेगी ना सर। तो ठीक है, कल से ही ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। मोहिनी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी उम्र अभी उतनी नहीं हुई है? ऑफ कोर्स सर, ऑन द कंट्री, अगर आप जींस वगैरह पहन लेंगे तो शायद 30-35 से ज्यादा नहीं लगेंगे। हाउ स्वीट, थैंक यू। पम 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 पम, मैंने तुमसे कहा था ना ये नौकरी मुझे मिलने वाली है। आई हैव गॉट द जॉब, कम ऑन, कांग्रेचुलेट मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग घर जाइए, बाय बाय, नौकरी खत्म। हाय। दिखता नहीं क्या? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इंटरव्यू पर। हाय। शट अप, इडियट। मुझे नहीं पता था ऐसे अच्छे अच्छे लोग आते हैं इंटरव्यू पर।
अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए मिश्रा जी. हाँ वो मिश्रा जी, नो फर्दर इंटरव्यूज. मैंने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है. और कैंडिडेट तो मैंने भी सिलेक्ट कर लिए. कर ली है? हाँ. यू मीन लड़की? वो मिश्रा जी, आपको इस कंपनी के रूल्स पता हैं? यहाँ लड़कियाँ नहीं टिकेंगी. जिस दिन माँ बाप ने कोई अच्छा लड़का सिलेक्ट कर लिया, शादी करके चली जाएंगी वो लोग. वैसे भी मैंने जो लड़का सिलेक्ट किया है वो बहुत ही टैलेंटेड है. अभी से आप कैसे कह सकती हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है मिश्रा जी. उसके दादाजी का कहना था कि उसके चेहरे पर कमाल का तेज है, लेकिन उसके मामा जी का कहना था. उसके बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे मालूम? उसने मुझे बताया. वो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है. इंटरव्यू में मामा चाचा की बात कोई फ्रॉड ही कर सकता है. अब वो फ्रॉड है या जो भी है, मैं उसे नौकरी दे चुकी हूँ. बट दिस इज नॉट फेयर. यानी मेरी सेलेक्ट की हुई कैंडिडेट की कोई कदर ही नहीं. आखिर मैं इस कंपनी का एमडी हूँ. अगर मोहिनी सेलेक्ट नहीं की गई ना तो मैं तो आप क्या कर लेंगे आप? मैं करूंगा तो कुछ भी नहीं, पर हाँ, आगे से मैं कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा. बस बहुत अच्छी बात है, आगे से मत लीजिएगा आप इंटरव्यू. मैम ओके ठीक है. मिश्रा जी, बच्चों की तरह मुंह फुलाने की आदत नहीं गई आपकी. अच्छा ठीक है, दो पोस्ट क्रिएट कीजिए और दोनों को अकोमोडेट कर लीजिए. बस खुश. मैम, मेरी एमडी की सिलेक्ट की गई कैंडिडेट को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ? हाय. तुम? थैंक यू. तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए? आना ही पड़ा मैडम, सात जन्मों का साथ है हमारा. क्या कर रहे हो यार, दीवारों के भी कान होते हैं. अरे लेकिन यहाँ तो दीवारें ही नहीं है. तो ठीक है, ये खबर मैं इन हवाओं को बता देता हूँ. सुनिए मिस्टर हवा, मुझे और मेरी बीवी को स्काईलाइन ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल गई. व्हाट? यस. पर मुझे पता चला था कि वहाँ सिर्फ एक ही पोस्ट थी. एक पोस्ट थी, अब दो है. तो ये जाम मिस्टर और मिसेस सुधांशु चौधरी की नई नौकरी के नाम. पर अगर किसी को पता चल गया कि हम लोगों ने झूठ बोलकर नौकरी हासिल की है तो? नहीं पता चलेगा यार, मिशन 2000 याद है ना? तो बस ये समझ लो जान कि ये छोटा सा झूठ हम अपनी मिशन 2000 के लिए बोल रहे हैं. ये छोटी मोटी नौकरी हमें साल डेढ़ साल करनी है, बस फिर निकल जाएंगे. इस कंपनी से हमें क्या चाहिए? 2-4 लाख रुपए की बचत और बेशुमार कॉन्टैक्ट्स. जिस दिन ये दोनों चीजें हासिल हो गई बस हम कट लेंगे यार. और जनवरी 2000 में हमारी अपनी ट्रैवल एजेंसी होगी, बस फिर झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं. तो यार साथ साथ काम करते हुए भी दिन भर अनजान बने रहना. वो तो बनना पड़ेगा. मिशन 2000 इज नॉट सो सिंपल. कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना. बट यू श्योर ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं होगा जान, कुछ नहीं होगा. ब्रीफिंग से पहले मैं तुम दोनों को एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ. वो क्या सर? हमारी आने वाली स्कीम, स्काईलाइन ड्रीम हॉलीडे का प्लान. ये देखो मोहिनी, देखो पूरे देश के बेस्ट रिसॉर्ट्स के साथ हमारी डील हुई है. बस एक बार ये स्कीम लॉन्च हो जाए फिर तुम देखना कैसे हम अपने तमाम कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन इसे लेकर हम जरा सा कंफ्यूज्ड हैं. वो क्यों सर? अब मैं आ गया हूँ, मुझे बताइए, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा. असल में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस स्कीम को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए. अ स्कीम फुल ऑफ इंडियन सीनिक ब्यूटी और अ स्कीम व्हिच शोज यू द रियल इंडिया, इट्स पीपल, इट्स कल्चर. सर हमारे कल्चर को तो खा रहे हैं वल्चर. मेरे ख्याल से अगर हम अपनी सीनिक ब्यूटी बेचेंगे तो बेहतर रहेगा, जैसे कुल्लू मनाली वगैरह वगैरह. व्हाट नॉनसेंस सर, सीनिक ब्यूटीज तो आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन हमारे जैसा कल्चर कहीं और मिलेगा आपको? ए सुन, आती क्या खंडाला. सुधांशु सर, हमारा लेटेस्ट इंडियन कल्चर है, खूब बिकेगा इंटरनेशनल मार्केट में, जाइए बेचिए. एक्सक्यूज मी, जाहिलो जैसी बातें मत कीजिए. सर अगर हमारे शहरों में रहने वाले 2% लोग अमरीकी पन्ने पे उतारू हो चुके हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कल्चर खत्म हो गया है. हिंदुस्तान शहरों में नहीं गांव में जीता है. oh, yes. और जब तक ये गांव जिंदा है ना सर, हमारा कल्चर जिंदा रहेगा. आई थिंक वी शुड प्रमोट आवर कल्चर. एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मोहिनी. मोहिनी शर्मा आज ही ज्वाइन कर रही है तुम्हारे साथ. आज ही ज्वाइन कर रही है मेरे साथ? मतलब सिलेक्शन भी हुआ था मेरे साथ? से पूछ तो लेना था एक बार. What? मतलब कैसे कैसे लोगों को ले लिया सर आपने? जिस इंडियन कल्चर के लिए आप इतना लड़ रही हैं मिस मोहिनी शर्मा, उसके बारे में क्या जानती हैं आप? कभी हाल में किसी गांव में गई हैं आप? बिल्कुल गई हूँ. और क्या देखा आपने वहाँ? बताइए बताइए क्या देखा. सर बताओ.
अरे आप क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। सर मैं गया था गांव में और मैंने वहां देखी थी शादी, पूरी रीति रिवाज वाली शादी। फिर क्या सर, माइकल जैक्सन बज रहा था लेडी संगीत में और दुल्हन शॉर्ट्स पहनकर बैठी थी हल्दी की रस्म के लिए। बोली कि हल्दी तो लगानी है टांगों पर, तो साड़ी क्यों खराब करूं। और वहां सर एक मोहतरमा आई थी इनकी जैसे शहर से अपने बहुत ही हैंडसम पति के साथ हनीमून मनाने। तो हनीमून तो क्या बनाया सर, पहले दिन उनका वैनिटी बॉक्स चोरी हो गया। पूछिए इनसे, इनके सामने की बात है। बता इनके सामने मतलब, अगर आप गई थी तो आपने भी कुछ ऐसे ही देखा होगा ना, उलटपटांग इंडियन कल्चर। मिश्रा जी ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए, आप आज सुबह मुझे मिलने भी नहीं आए। वो दरअसल मैं मोहिनी और इन्हें स्काईलाइन हॉलिडे प्लान के बारे में बता रहा था। ये सब छोड़िए, आपको अभी एक्सेल इंटरनेशनल जाना है उन्हें दोबारा कन्विंस करने के लिए। जी मैम। कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर हो जाए। आई ट्राई माई बेस्ट। गुड। अच्छा मैं सोच रहा था कि अगर मोहिनी को, मेरा मतलब है मोहिनी और सुधांशु को अगर अपने साथ ले जाऊँ, मुझसे कुछ सीख भी लेंगे और हमारे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ इंट्रोडक्शन भी हो जाए। वेरी गुड, यस राइट, गुड आइडिया एज यूजुअल मिस्टर मिश्रा। इसीलिए आई एम सो प्राउड, आई मीन वी आर सो प्राउड ऑफ आवर एमडी। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। देखिए मिश्रा जी, हम भी बार बार एजेंट्स बदलना नहीं चाहते, पर आपके उस एग्जीक्यूटिव ने हमारे एमडी साहब से इतनी बदतमीजी से बात की कि हमें एक्शन लेना ही पड़ा। अरे मैंने तो सुना था आपके एमडी साहब ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, खाली एक हाथ से तो नहीं बचती ना सर। आप कहना चाहते हैं कि हमारे एमडी साहब बदतमीज हैं, बददिमाग हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा आप कह रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा? अरे अभी तो आपने कहा हमारे एमडी साहब बदतमीज हैं, बददिमाग हैं, पता नहीं क्या क्या। व्हाट इज दिस मिश्रा जी, आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर करने आए या मेरी इंसल्ट करने? देखिए मिस्टर पांडे, सुधांशु वेट अ मिनट। देखिए पांडे जी, वो पुराना लॉर्ड था, अब उनमें से एक भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे छोड़िए मिश्रा जी, ऐसे अश्योरेंसेस आप पहले भी दे चुके हैं, आप क्या समझते हैं? आप यहाँ आकर कुछ भी ऑल फॉल बक देंगे, मेरे सामने हाथ जोड़ लेंगे तो मैं मान जाऊंगा। इनफ, ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। एक्सक्यूज मी, माना कि आप हमारे क्लाइंट हैं, लेकिन आपको मेरे सामने मेरे सीनियर से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी एजेंसी आपका काम बेहतर कर सकती है तो बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दीजिए, बट वी नो वी आर द बेस्ट एंड आई थिंक यू नो दैट टू। जुलाई 1996 में आपके चेयरमैन को इमरजेंसी में लंदन जाना था, अगस्त 1997 में आपके एमडी की माता जी को अचानक हार्ट अटैक हो गया था, आधे घंटे की नोटिस पर उनके जाने का इंतजाम और कोई नहीं कर सकता था। ओनली वी कुड हैव डन इट एंड वी डिड इट। और जुलाई 1998 में पेरिस की कॉन्फ्रेंस के लिए जो आपका डेलीगेशन गया था उसका पूरा इंतजाम किसने किया? अब अगर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप ये 8 साल का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, हम चलते हैं। चलिए सर, आई थिंक दिस मीटिंग इज ओवर। मोहिनी, कम ऑन लेट्स लीव। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। मोहिनी, अग्रेसिव ट्रेनी मिश्रा जी एंड टैलेंटेड टू, अपना होमवर्क करके आई है। सॉरी मिस, मैं भी आपको यही समझा रहा था कि अपने सीनियर की बेइज्जती किसी भी अच्छे जूनियर से बर्दाश्त नहीं होती। आई एम हैप्पी टू सी कि स्काईलाइन ट्रैवल्स में अब सेंसिबल एग्जीक्यूटिव्स आ गए हैं। ओके मिश्रा जी, वी विल रिस्टोर द कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू पांडे, थैंक यू मिस्टर पांडे। हाय। डोंट टॉक टू मी, जस्ट डोंट टॉक टू मी। अरे तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो मुझसे जैसे मैं तुमसे सचमुच में लड़ा था। उधर गांव में तुम्हारा वैनिटी बॉक्स चोरी हुआ था ना? हुआ था कि नहीं? और तुम्हारी वो बिगड़ी हुई कजन हल्दी की रस्म पर शॉर्ट्स पहन के बैठी थी ना? बैठी थी कि नहीं? I hate you. I love you. But I still hate you. I still love you. ये देख, पास में सिनेमा हॉल है, चलें क्या फिल्म देखने? पागल हो गए हो क्या? क्या? घर जाके खाना बनाना है। अरे खाना तो रोज बनाती है। मिस्टर चौधरी, मिस शर्मा। गुड इवनिंग मिस गुप्ता। आप दोनों साथ साथ एक ही स्टॉप से बस लेते हैं क्या? जी जी हाँ, जी हाँ। आसपास रहते हैं? नहीं मैम, मैं बांद्रा में रहती हूँ। बांद्रा। और आप? मैं मैम चिंचपोकली। चिंचपोकली, वेरी गुड। मैं भी उसी तरफ रहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। नहीं मैम, बेकार, आपको तकलीफ होगी। अभी तकलीफ काहे की, मैं जा ही रही हूँ उस तरफ। कम ऑन, कम ऑन, हॉप इन। I'm sorry, Miss Sharma. मैं आपको भी लिफ्ट दे देती, लेकिन I'll be taking the bridge. It's okay, ma'am. मैं चली जाऊंगी। Bye, Miss Sharma.
गॉड सुधांशु, इसने आज तक चिंच पोकली देखा भी नहीं, वापस कैसे आएगा? मोहिनी, उषा जी, बस नहीं मिली? नो सर, मिल जाएगी बस। Come on in, मैं छोड़ देता हूँ। बैंड्रा नो? नो नो सर, मिल जाएगी, इट्स ओके। ओह, come on, मैं छोड़ दूँगा, मैं उधर ही रहता हूँ। ओह, ओह गॉड। मैं छोड़ देता हूँ। आप कल से मेरे साथ ही आया कीजिएगा मिस्टर छात्री। जी? हाँ, I mean I have no ego problems. अपने किसी एम्प्लॉई को लिफ्ट देकर मैं अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छे विचार हैं आपके। विचारों से ही तो इंसान की शख्सियत का अंदाजा होता है। जैसे तुम्हारे विचार इस देश के बारे में, इसके कल्चर के बारे में। सच बहुत अच्छा लगा सुन। थैंक यू सर। सच कहूँ मुझे आज तक जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं जिनका दिल इतना साफ हो। शायद इसलिए आज तक आपने शादी नहीं की सर। शादी तो बस कभी मौका ही नहीं बना। शादी का कोई मौका थोड़ी बनता है सर, शादी तो बस हो जाती है। शायद तुम भूल रही हो कि शादी के लिए एक लड़की की भी जरूरत होती है। उसमें क्या है सर, यू आर अ वेल सेटल्ड मैन, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। डू यू रियली थिंक सो? ऑफ कोर्स। तो तुम चाहती हो कि मेरी शादी हो जाए? जी। क्यों? क्योंकि फिर आप इस गुप्ता से बात करेंगे इस रूल को बदलने के लिए, ओनली सिंगल्स। नहीं 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 नहीं, इस रूल को बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैम आपको ये नहीं लगता कभी कभी कि शायद आपने जिंदगी से बहुत बड़ा पंगा ले लिया? पंगा? व्हाट इज दिस पंगा? पंगा यानी के भिड़ जाना। अगर ये रूल आपकी अपनी ख्वाहिशों के रास्ते में आ गया तो? मतलब मैम ये रूल तो तब तक ही रहेगा ना जब तक आप सिंगल हैं, उसके बाद? नहीं नहीं मिस्टर चौधरी, ये रूल हमेशा रहेगा क्योंकि मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या पता कब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए जो आपके होश उड़ा दे। यू नेवर नो ऑल दिस। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो आपके होश उड़ा दे। ऐसा क्लेम करना बहुत गलत है ना। अब होश उड़ाने से याद आया कि मेरी माँ कहती थी मेरे चेहरे पर ऐसी कमाल की मासूमियत है कि वो किसी की भी होश उड़ा दे। मेरी मासी का कहना था मैम कि मेरी आंखें बहुत नशीली थी, और मेरी बुआ कहती थी कि मेरी नाक। मिस्टर चौधरी आपकी माँ, आपकी मौसी, आपकी बुआ को आपके बारे में जबरदस्त गलतफहमी है, और आपको भी है शायद। मुझे लगता है ये गलतफहमी आप जल्द से जल्द दिमाग से निकाल दीजिए वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। और मैं एक बार फिर से आपको कह दूं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पर्सनल होने की कोशिश करें। चिंचपोकली, 11 बज गए, पता नहीं ये जनाब है कहां। सुधांशु क्या हुआ? मेरा सर, दो ट्रेन और एक बस चेंज कर आ रहा हूँ चेंज पोकली से, सब तुम्हारी वजह से। बेटा मैं बैंड्रा में रहती हूँ। नॉनसेंस। अरे तो मैं बैंड्रा में रहती हूँ यार, लेकिन तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी कि तुम चिंच पोकली में रहती हो? कोई नजदीकी जगह नहीं ढूंढ सकते थे? जो आया मेरे दिमाग में उस वक्त मैंने बोल दिया। देखो मैं अब भी कह रही हूँ कि झूठ की बुनियाद पर नौकरी पाने वाली हमारी डेढ़ होशियारी ना बहुत भारी पड़ने वाली है। एक्सक्यूज मी, ये डेढ़ होशियारी क्या बला है? एक होती है होशियारी और एक होती है बेवकूफी। अब इन दोनों के बीच आती है डेढ़ होशियारी, जिसे हम होशियारी समझकर करते हैं, लेकिन जो होती है महा बेवकूफी। बस कर अम्मा बस कर। नहीं अभी तो शुरुआत है, पता नहीं मिशन 2000 क्या क्या रंग दिखाने वाला है। मैम खाना खा लीजिए, बहुत देर हो रही है। हाँ हाँ खा रही हूँ अभी। अरे अभी मत रखो। मेरी माँ कहा करती थी मैम कि मेरे चेहरे पर ऐसी कमाल की मासूमियत है कि किसी के भी होश उड़ा दे। लेकिन मेरी मौसी का कहना है कि मेरी आंखें बहुत नशीली हैं, पर मेरी बुआ कहती है कि मेरी नाक। What the hell are you doing here, Mr. Chaudhary? क्या हुआ मैम? ओह नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं खाना बाद में खा लूंगी, तुम जाओ। अरे जाओ ना तुम। मुझे क्या हो गया? ये सब इसकी गलती है, इस चौधरी की। कुछ भी बोलता रहता है इडियट, और कितना बोलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके होश उड़ा दे। ये क्लेम करना गलत हो। तुम फिर से just get out of here. No, I'm not going. Just get out. Get out. Get out.
अच्छा लग रहा। मैडम आर यू ओके? हाँ ओके। तुम जाओ। अरे जाओ ना तुम प्लीज। ये मुझे क्या हो गया है? इस आदमी ने तो मुझे परेशान कर दिया है। घर में भी हो। नहीं 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 मैं थक गई। That's the problem. मैं थक गई हूँ। मुझे सो जाना चाहिए। अब कहाँ नींद आएगी तुम्हें स्वानंद मिश्रा? अब कहाँ नींद आएगी? सर कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है और कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है। लेकिन मोहिनी अब उतनी भी कोई उम्र नहीं हुई आपकी। शादी के लिए एक लड़की की भी जरूरत पड़ती है। आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी। एक बड़ी कंपनी के एमडी होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सबानंद बाबू क्या कर रहे हो? 45 की उमरिया में चले हो इस क्लास ने 25 की छोकरिया से? मेरी उम्र अभी उतनी नहीं हुई है। उसने कह दिया और ससुर तो मान लिए। डू नॉट टेक इट सीरियसली। अगर वाकई उसने सीरियसली कहा हो तो ये कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में मेरे लिए कैसी फीलिंग्स हैं? एक आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। एक आदमी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बताता हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब किसी से तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो, जब कोई दूसरों से तुम्हारे लिए लड़ पड़े, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है सर कि उस इंसान को दूसरों के फंडों में टांग अड़ाने की आदत है। चुप करो यार। नहीं, इसका मतलब यह होता है कि उस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, इसीलिए वो तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। और ऐसा किसके साथ हुआ? मेरे साथ सुधांशु, मेरे अपने साथ। क्या कह रहे हैं? मुझे प्यार हो गया है सुधांशु। प्यार? वाओ, किसे? वैसे प्यार तो लड़की से ही होता है ना? नहीं सर, प्यार तो कुत्ते बिल्ली भालू बंदर किसी से भी हो सकता है। और तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो यार, मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरा पहला इश्क है ना। सर छोड़िए ना, अंदर चलते हैं, मीटिंग खत्म करके निकलते हैं। 2 बजने को आ रहा है सर, मेरा भूख के मारे बुरा हाल है। और वैसे भी हम एक्सेल इंटरनेशनल मीटिंग के लिए आए थे ना, तो यहाँ ऊपर नीचे लॉन में टहल कर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अरे तो मोहिनी पांडे के साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा रही है ना। मोहिनी अकेली? अरे अकेली बहुत है वो, तुमने देखा नहीं पांडे उससे कितना इंप्रेस्ड है? और मोहिनी के चलते वो अपनी तमाम सिस्टर कंसर्न्स के भी कॉन्ट्रैक्ट हमको दे रहा है। सर पांडे के साथ डील करने का एक मौका मुझे भी दीजिए ना। दूंगा ना, जरूर दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे उसके करीब आ सकता हूं, कोई तरीका बताओ। सर क्या सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे आधे घंटे से ऊपर नीचे टहलवा रहे हैं? मजा नहीं आया सर। हाँ अगर आप कहें तो 2-3 घंटे के अंदर उस लड़की को समझाकर उसके माँ बाप को पटाकर पंडित लाकर आपकी शादी करवा दूं आज के आज। यस। हाँ ऐसा नहीं ना, एक्साइटमेंट विल बी टू मच, उसे बर्दाश्त नहीं होगा यार। नहीं धीरे धीरे। तो फिर ऐसा कीजिए, आप उसे कहीं खाने के लिए ले जाइए बाहर, किसी थाई जॉइंट में। थाई जॉइंट? थाईलैंड का खाना मिलता है, थाई जॉइंट। लेकिन हम थाईलैंड का खाना क्यों खाएं? फैशन है सर, और आजकल की लड़कियां सिर्फ फैशनेबल लोगों को पसंद करती हैं। अच्छा ठीक, लेकिन वो ऐसे नहीं है। सब लड़कियां ऐसे ही होती हैं। आप एक बार उसके सामने किसी थाई जॉइंट का नाम लीजिए, झट से तैयार हो जाएगी। अरे श्योर? 100%। आप आजमा कर देखिए। थैंक यू सुधांशु। थैंक यू। ट्राई इट। अरे मोहिनी को वहां ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है ना, चलो लेट्स गो। सुधांशु तुम्हें पूरा यकीन है कि ये थाई फूड वाला आइडिया काम करेगा? 200% सर, 200%। मोहिनी क्या हुआ, मिस्टर पांडे कहाँ हैं?
Any problems on the new contract? नहीं सर, सारी बातें क्लियर हो गई है. In fact, Mr. Pandey contract के papers खुद तैयार करवा रहे हैं. अच्छा. I think आधा घंटा और. आधा घंटा और. Oh my God, सर पेट में चूहे कूद रहे. Contract paper collect करने के लिए हम तीनों को wait करने की क्या जरूरत है सर? I think Mr. Chaudhary is right, sir. Right. आप office चलिए. हम दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं. नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें नहीं, मेरा मतलब है तुम दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ. आई नो इट्स पास्ट लंच टाइम बट सॉरी मोहिनी, तुम्हें भूख लगी होगी ना. नो सर, इट्स ओके, आई कैन मैनेज. सर आई कांट मैनेज. यू विल हैव टू माय डियर, यू विल हैव टू. भाई तुम पांडे से डील करना चाहते थे ना, यही तो मौका है. हम तीनों को यहाँ वेट करने की क्या जरूरत है? तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा कर मिस गुप्ता को रिपोर्ट करो. बट प्लीज डोंट ट्राई टू टेक क्रेडिट ऑफ अ गुड जॉब डन बाय मोहिनी. एंड मोहिनी यू नीड टू बी रिवॉर्डेड फॉर दिस. हाँ भाई, तुमसे हमारी कंपनी को इतना बड़ा फायदा हुआ है. The least I can do is to take you out for lunch. किसी थाई जॉइंट? थाई सर, थाई जॉइंट में मोहिनी सर क्या कर रहे हैं आप सर? थाई जॉइंट बड़े लवली आइडिया सर. नो सर, रॉन्ग कॉम्बिनेशन. मोहिनी थाई फूड, रॉन्ग कॉम्बिनेशन, गलत. मोहिनी डजंट लाइक थाई फूड. मोहिनी यू डोंट लाइक थाई फूड. टी सेलिंग तुमने तो कभी खाया भी नहीं होगा यार. ये सब खाली फैशनेबल लोगों की चीजें मोहिनी, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है. शी डजंट लाइक थाई फूड सर. शी सेड शी डजंट लाइक थाई फूड. टेल हिम यू डोंट लाइक थाई फूड. मिसेस चौधरी, आर यू फिनिश्ड? आई एम फिनिश्ड. आप अपने जैसों में मुझे नहीं इंक्लूड करें तो बेहतर होगा सर. I love Thai food. Really? Yes. That's wonderful, yeah. Sir, in fact, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे Thai food इतना पसंद है कि शहर के सारे Thai joints जा करके देखे हुए हैं. Yeah. Don't I know it? Sir, sir, Mohini, sir, Mohini, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम Mohini. सर आप मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते. You will have to take me with you, sir. मैं भी ले जाऊँगा, तो मैं भी जरूर ले जाऊँगा. अच्छा काम करके दिखाओ तो जरूर ले जाऊँगा. No, 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 not today. Today is Mohini's day. Mohini, let's go. Yeah, please. Stop, stop. Sir, please, sir, 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 please. Sir, आप भी जाते हैं कर रहे हैं सर. मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाइए सर. मैं टेंशन में मत जाऊँगा सर. आपको खाना तो नहीं होगा सर. वो तुम्हें हो क्या गया यार? तुम्हारा बताया हुआ रास्ता अपने आप खुलता जा रहा है और तुम हो के उसी के बीच में रुकावट बन रहे हो. मोहिनी यार, इतना गोल्डन चांस कभी नहीं. मिस्टर सुधांशु चौधरी, तुमसे ज्यादा स्मार्ट, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता. अपनी बीवी को पटाने के तरीके बताते फिरते हो दुनिया को. वाह बेटे वाह. मिस्टर चौधरी, इट्स ओके. Very good contract. Excellent. Better than I expected. Thank you, ma'am. आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों उनके हाथों क्यों भेजा? आप खुद भी तो हार सकते थे. हाँ, of course. आप मिस्टर चौधरी, आप कल रात अपने घर पर ही थे ना? जी, मुझे तो लगता है मैं घर पर ही था. कुछ नहीं, मुझे तो लगता है आप किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते. मैम, तो सीधा जवाब तो यही है कि रात को मेरे जैसे सीधे और मासूम लोग घर पर ही रहते हैं. आप अपनी मासूमियत के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते? तंग आ गई हूँ मैं आपकी मासूमियत से. दिन में, रात में. मैम, आप शाम को चल रहे हैं ना मेरे साथ? जी नहीं. नहीं क्यों? मैम, मैंने अपना घर बदल लिया. क्यों? कब? जी कल. नया एड्रेस क्या है आपका? क्यों? ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए. 203 शीतल टावर्स, बांद्रा वेस्ट. 203 शीतल टावर्स, बांद्रा. आप खाना खाइए और अगर खाना कम पड़ जाए तो मुझसे भी ले सकते हैं आप. थैंक यू. नहीं नहीं, आप मुझसे बिल्कुल नहीं ले सकते. और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपकी माँ, आपकी मौसी, आपकी बुआ को जबरदस्त गलतफहमी है आपके बारे में और आपको भी है शायद. और जब तक ये गलतफहमी ठीक नहीं होगी, यही कहने आई थी मैं आपको. औरत की प्रॉब्लम क्या है यार? बड़ा एडवाइस देनी चली थी, वो भी थाई फूड. अब तुम्हें पता है ना मुझे थाई फूड कितना पसंद है. अरे मुझे क्या पता था बुड्ढा इसके लड़ाने के टिप्स मांग रहा तुम पर आजमाने के लिए. मेरी मानो, कल ही गुप्ता मैम को सब कुछ कह देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा. कुछ नहीं देखा जाएगा, देखने को हम बचेंगे नहीं. वो हमें उठाकर बाहर फेंक देंगे एकदम. पर
यार ये झूठ दिन ब दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। मैंने कहा था ना जान, मिशन 2000 के रास्ते में कुछ मुसीबतें तो आएंगी, बस 2-4 महीने की बात है फिर सब ठीक हो जाएगा। अब ये कौन मुसीबत आ गई भाई? अरे गुप्ता मैम आई है, गुप्ता मैम आई है, गुप्ता मैम घर आई। गुप्ता मैम आप मेरा यहाँ, सॉरी पर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी कहिए। क्या आपको वाकई लगता है कि मैंने जिंदगी से बहुत बड़ा दंगा ले लिया है? दंगा नहीं मैम, पंगा ले लिया है। पंगा? वही वही पंगा, पंगा ले लिया है। यू नो मे बी यू आर राइट। मैंने बहुत सोचा है सुधांशु, मिस्टर चौधरी, और मैं जिंदगी के साथ सुलह करने को तैयार हूँ। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? थिंक इट्स पॉसिबल? लेकिन मैम आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि 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 मुझे लगता है कि इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जी सुधांशु, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मौसी और तुम्हारी बुआ बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम्हारे चेहरे पर वाकई कमाल की मासूमियत है और तुम किसी के भी होश उड़ा सकते हो। जी 11:30। गुड नाइट सुधांशु। गुड नाइट मैम। स्वीट ड्रीम्स सुधांशु। स्वीट ड्रीम्स टू यू मैम। और हाँ, अगर माँ जी, मौसी जी या बुआ जी का फोन आए तो उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते जरूर कहना। अब ये कौन सा नया चक्कर है? डोंट गेट एक्साइटेड यार मोहिनी, जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हो रहा है। पता नहीं मैंने समझाने में क्या कह दिया, वो समझने लगी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। अरे मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा था कि मेरी माँ कहती थी मैं किसी के भी होश उड़ा सकता हूँ, और हो सकता है ऐसे ही कोई आदमी उनकी जिंदगी में आ जाए। हाँ, और उनके होश उड़ गए और तुम उनकी जिंदगी में आ गए। यार सुधांशु, तुम यार जरूर से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों करते हो? हाँ, इससे एक फायदा जरूर हो सकता है। अगर गुप्ता मैम प्यार का मतलब समझने लगी है और हम उन्हें सब कुछ सच सच बता दें तो शायद वो ये कंपनी रूल बदलने के लिए राजी हो जाए, यू नो? सुनिए मैडम, मैंने भी यही सोचकर प्यार मोहब्बत की कौड़ी फेंकी थी और उन्हें मुझसे ही प्यार हो गया। अब उन्हें पता चलेगा हम दोनों शादीशुदा हैं तो हमें माफ कर देंगी? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ये बूढ़े थोड़ी कोशिश करेंगे फिर थक कर बैठ जाएंगे। इम्पॉसिबल, प्यार में इंसान कभी चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ पागलपन जरूर करेगा। इस कदर प्यार से न देख मुझे फिर तमन्ना जवाना हो जाए। मैंने इशारा तो कर दिया है लेकिन क्या सिर्फ इशारा काफी होगा? मुझे उससे खुलकर बात करनी चाहिए, अपने बारे में, उसके बारे में, हम दोनों के फ्यूचर के बारे में। पर कैसे और कब और कहां? घर में? नहीं नहीं, वो अकेली तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्यों आएगी? ऑफिस में? Idiot, ऑफिस में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो फिर कहाँ? यस, एक जगह है जहां तुम्हें, यानी कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारा कंपनी गेस्ट हाउस। राइट, अपने गेस्ट हाउस की खामोश दीवारें और हम दोनों, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो पीटर, मुझे आज की बुकिंग चाहिए और सुनो, मुझे वहां गेस्ट हाउस में और कोई नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीवन इन द गेस्ट हाउस। क्या मिश्रा जी की बुकिंग है तो कैंसिल कर दो। नहीं नहीं, आज की बुकिंग सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। ओके सिंधिया, देखो देखो, नो, फिर चल गई। क्या हुआ सर? अरे क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? आज सुबह पहले तो मिश्रा जी ने गेस्ट हाउस की बुकिंग करवाई, फिर गुप्ता मैडम ने उसे कैंसिल करवाकर अपनी बुकिंग करवाई। अब हम एक घंटे से मिश्रा जी को ऑफिस फोन कर रहे हैं ये बताने के लिए उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई, पर हमारी कोई सुनता ही नहीं।
सब लोग आधी बस में ही चला देते हैं। पीटर, गुड मॉर्निंग सर। दो बजे से थी तो क्या मैं 12 बजे नहीं आ सकता है? आफ्टर ऑल मैं इस कंपनी का एमडी हूं यार, इतनी छूट तो मिलेगी। सर मैं तो ये कह रहा था। कहो कुछ मत, मुझे मेरे कमरे की चाबी दो जल्दी। मोहिनी ये पीटर है यहाँ का केयरटेकर, आदमी अच्छा है लेकिन बोलता बहुत ज्यादा है। क्लाइंट्स कब आ रहे हैं? क्लाइंट्स? ओ हाँ क्लाइंट्स आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक हम जरा फ्रेश हो। आओ आओ। मिश्रा जी मेरी बात तो सुनिए मिश्रा जी। मुझे पता है मिश्रा जी की बुकिंग थी लेकिन मैंने कैंसिल करवा दी। तुम्हें तो कैंसिल की थी, अब बहस मत करो, चाबी दो। मैं मेरी बात तो सुनो। बहस नहीं पीछा, बहस नहीं, चाबी चाबी। अब वो कमरा है, आए आए, ये है हमारा कमरा। ऑफ टू यू। लेकिन मैम ये क्लाइंट्स ऑफिस की तो आ सकते थे। हाँ नहीं नहीं, ये क्लाइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि गेस्ट हाउस ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग मिश्रा जी को बताए बगैर आ गए, उन्हें पता चलेगा तो। सो क्या, यहाँ मीटिंग करने आए हैं। पर सर गुप्ता मैम को एक बार बता देना था ना। एक्चुअली मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ सुधांशु, मैं चाहती थी कि हम दोनों सुकून में थोड़ी सी बातें कर सके। कैसी बातें मैम? जिंदगी की बातें सुधांशु, प्यार की बातें, दिल की बातें। सुधांशु तुम्हें पता है कि हमारी ऑफिस में ये रूल क्यों है? क्योंकि मैं प्यार से नफरत करती हूँ। पर तुम्हें जिंदगी में आई, मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद अपने आप से बात करने लगा, अपने आप में मुस्कुराने लगा, ये रंग बिरंगी शर्ट जींस पहनने लगा, बालों में फूल सजाने लगी, बजने गुनगुनाने लगी, अपने बीते हुए कल को रौन कर एक नए आज के सपने देखने लगी। मैडम ऑफिस फोन लगा दीजिए। फोन ऑफिस क्यों? गुप्ता मैम को बताने कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और क्लाइंट्स बस आते ही होंगे। अब बता देंगे यार, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तो मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ जरूर सुनूंगा मैम, जरूर सुनूंगा, लेकिन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है आपकी गैर मौजूदगी से ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो उन्हें बता देना जरूरी है कि आप कहाँ हैं। वैसे भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनी की खबर रखनी चाहिए। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। आप कहें तो मैं आपको फोन लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, फोन मैं भी लगा सकती हूँ। हेलो। हाँ पीटर ऑफिस फोन लगाओ, मुझे मिश्रा जी से बात करनी है। पर मैम मिश्रा जी तो। बहस नहीं पीटर, बहस नहीं, फोन लगाओ। हेलो पीटर, जरा ऑफिस फोन लगाओ, मुझे गुप्ता मैडम से बात करनी है। पर सर गुप्ता मैडम तो। बहस नहीं पीटर, बहस नहीं, फोन लगाओ। बहस नहीं फोन लगाओ, बहस नहीं फोन लगाओ। मुझे क्या, नंबर वन नंबर टू लगा दिया। मिश्रा जी। हेलो मैम। काम कैसा चल रहा है? काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है मैम। बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं ना? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है मैम। मिश्रा जी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने अपने दिल और दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं और प्यार के झूले में झूलती हुई खुली हवा में उड़ती हुई मैं आपको ये फोन कर रही हूँ मिश्रा जी। What a coincidence मैम, आज मैंने भी अपने दिल को जाने वाले तमाम रास्तों से नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है मिश्रा जी, आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड, मेरा मन मानो किसी गुब्बारे सा उड़ रहा है। मैम मैं तो खुद एक गुब्बारे सा उड़ रहा हूँ। मिश्रा जी आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हूँ। मैं भी मैम। आप भी मैम? आप किससे बात कर रही हैं? मिश्रा जी से।
तुम्हीं ने तो फोन मिला करके दिया था। पर मैं मिश्रा जी तो शट अप पीटर, वहां जाकर बैठो चुपचाप। मिश्रा जी। सर सर क्या है, आप किससे बात कर रहे हैं? मिस गुप्ता से, तुम्हीं ने तो फोन लगा कर दिया है, जाओ उधर बैठो। हेलो मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, आप देखिएगा आज शाम तक हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम, आज शाम को जिंदगी कुछ और ही होगी। मिश्रा जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं नाव में सवार कहाँ हूँ, मैं तो डूब गया हूँ मैम। सच कहूँ डूब तो मैं भी गई हूँ मिश्रा जी। मैं नहीं जानता था मैम कि डूबने में इतना मजा है, मुझे तो चारों तरफ वही वो नजर आती है। मुझे भी मिश्रा जी। मिश्रा जी मेरे सामने एक ऐसा शख्स बैठा है जो बिल्कुल आप जैसा दिखता है। आपको नशा कुछ ज्यादा हो गया है मैम, मैं आपके सामने हो ही कैसे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इस वक्त कहीं और हूँ, किसी और के साथ। मुझे वाकई ज्यादा नशा हो गया है मिश्रा जी, आप मेरे सामने कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस वक्त कहीं और हूँ, किसी और के साथ। बाय मिश्रा जी, I'll pray to God कि आप खूब डूबे, आपको कोई ना बचाए। मैं भी आपके लिए ऐसी ही दुआ करूंगा मैम, बाय बाय। I'm so sorry, Nick. Please. मिश्रा जी, मैं सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं, और आज मैं उस बुड्ढे खूसर के साथ इस गेस्ट हाउस के कमरे में। सुधांशु, I can't take this anymore. नहीं चाहिए ये मिशन 2000. कम से कम ऐसे तो नहीं। प्लीज टेल मी दिस टाइम मोहिनी, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा मिशन 2000 जिसे पाने के लिए तुम्हें खोना पड़ता है। I'm really sorry. मैं जानता हूँ इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं सुधांशु, अगर इस सब का कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूँ। शायद गलती मेरी है, ना मैं तुमसे आकर्षित होता और ना। शाह जी इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं है, प्यार करना कोई गलती नहीं है, गलती इन दोनों ने की झूठ बोलकर, अपने आप को सिंगल बताकर। हमने तो इन दोनों को सच्चे दिल से चाहा, और किसी को चाहना कोई गलती नहीं है, ये बात अब समझ में आ गई है मेरी। राइट, हमने तो कोई गलती नहीं की है, ये बात मेरी भी समझ में आ गई है। लेकिन ये दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये मिशन 2000 क्या वाला है। सर, शादी के पिछले 2 साल में हर रोज हर पल हमने यही सपना देखा है कि जनवरी 2000 में हमारी अपनी ट्रैवल एजेंसी होगी। ये जो भी कुछ हुआ उसी सपने को पूरा करने की जल्दबाजी। सपने इतने जल्दी पूरे नहीं होते सुधांशु, इसी जल्दबाजी ने तो मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। हाँ सुधांशु, मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था, और उस सपने को पूरा करने की जल्दबाजी में anyway, इसीलिए मैं प्यार से नफरत करने लगी थी। आज इतने सालों बाद तुमने मुझे फिर से प्यार का एहसास दिलाया और मैं झूमने लगी, लेकिन आज भी मुझे निराशा ही मिली। लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ मिश्रा जी, इन दोनों के प्यार को देखकर मुझे अपने प्यार के खोने का बिल्कुल दुख नहीं है। मुझे भी, बल्कि मुझे तो इन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ। बेवकूफों ने बताया नहीं कि ये मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। Absolutely. अरे पाप करवाने वाले थे मुझसे। बताइए, इस गेस्ट हाउस के एक कमरे में आप और एक में। नहीं, एक्चुअली ये सारी पीटर की गलती है, इसने क्यों नहीं बताया हमें? मैम मैं तो बताने वाला था पर। चुप करो, खुद अपने हाथों से चाबी दी और ये बताया भी नहीं कि बगल वाले कमरे में कौन है। सर वही तो कह रहा था लेकिन। चुप। मिश्रा जी और मैं ऑफिस वापस जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस चौधरी यहीं रहेंगे 2 दिन के लिए, इनका ठीक से ख्याल रखना। हमारी वजह से बहुत दूर रहना पड़ा है ना इन दोनों को एक दूसरे से। बट आई एक्सपेक्ट यू बैक इन ऑफिस डे आफ्टर टुमारो 10 AM शार्प। यस मैम। जी मैम। जिस रूल की वजह से लोगों को झूठ बोलना पड़े, ऐसे रूल की हमारे ऑफिस में क्या जरूरत है? राइट मैम। आप आज ही नोटिस लगवा दीजिए ऑफिस में कि ये रूल आज से रद्द। ओके। मैडम मिशन 2000 तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा हनीमून मिल गया। बोलो
एक जिंदगी में दो हनीमून कितने लोगों को नसीब होता है? Shut up, I hate you. But I love you. But I still hate you. But I still love you. इस तरह की बुकिंग की कंफ्यूजन फिर नहीं होनी चाहिए पीटर। No ma'am. This is most embarrassing. चलिए मिश्रा जी। संध्या। संध्या। क्या हुआ? अपना खुद का नाम पहचान में नहीं आ रहा? आज कितने सालों बाद मुझे किसी ने इस नाम से पुकारा है? वो इसलिए कि 10 सालों के बाद मुझे भी वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं और तुम पहली बार मिले थे और हमने साथ मिलकर ये ट्रैवल एजेंसी खोली थी और साथ साथ दिन रात मेहनत करने के बाद हम इसे इस मकाम तक ले आए हैं। लेकिन उस दौड़ में तुम मिस गुप्ता हो गई और मैं मिस्टर मिश्रा। संध्या, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में मोहब्बत छुपी रहती है। हमारे अंदर भी थी पर पता नहीं क्यों हमने उसे दबा कर रखा। सुधांशु और मोहिनी ने हमारी दबी हुई मोहब्बत को जगा दिया। हम पास रहकर भी कितना दूर थे ना संध्या। तुम्हें ऐसा लगता था तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं स्वानंद? मैं बताता कैसे, तुम्हें वो लोग पसंद ही नहीं थे जो पर्सनल होने की कोशिश करते। लेकिन तुम उन लोगों में शामिल थोड़े ही थे, तुम तो हमेशा मेरे लिए सबसे अलग थे। संध्या। स्वानंद। ओह संध्या। ओह स्वानंद। ओह संध्या।